सो हे एवरीवन, वेलकम टू देविश व्लॉग। सो आज हम लोग जाने वाले हैं गाइस होली की शॉपिंग के लिए, और हम लोग वहां पे बहुत एक्साइटेड है जाने के लिए। सो तविश, आप एक्साइटेड हो? यस गाइस, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ पिचकारी, गुलाल और भी बहुत सारी चीजें लेने के लिए। सो गाइस, तविश तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, और साथ के साथ तविश आपकी एक नई चीज आने वाली है ना? हाँ, पिचकारी। यस गाइस, और मेरी भी पिचकारी रखी है। अभी हम लोग जा रहे हैं होली की शॉपिंग करने, बच्चों को थोड़ा सा सामान दिलाने। गाइस, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे कि हमने शॉपिंग में क्या क्या लिया है बच्चों के लिए होली की शॉपिंग में। तो चलिए मिलते हैं आगे के वीडियो में। तो गाइस, मार्केट में लगी थी, काफी रौनक थी मार्केट में, क्योंकि होली जस्ट अभी आने ही वाली थी। तो हम लोग मार्केट के लिए निकल गए थे और काफी रौनक थी और जगह जगह शॉप थी। तो गाइज, फाइनली हम आ गए थे एक पर्टिकुलर शॉप पर, जहाँ पर हमें सभी चीज़ें एक ही शॉप पर मिल रही थी। एक्चुअली इससे पहले भी हम काफ़ी शॉप हमने देखी थी, बच्चों ने देखी थी, लेकिन उन्हें ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आ रहा था। तो ये वाला ले लेते हैं। ये वाला लेना है ना, तीन हमारी छोटी होली के लिए। ये तो हमारे पास था लास्ट टाइम भी। हाँ बेटा, क्या लेंगे? स्प्रे बैलून ले लिए। ये रे बैलून, एक करूँ, ट्राई नहीं करना, नहीं ट्राई नहीं करना। बहुत सारे बहुत सारे स्नो स्प्रे। प्लीज क्या घर में इधर रखेंगे? ये इसमें स्नो भी निकलेगा, वो मगर कौन सी? हाँ, इसमें ऐसे ऐसे करके फिर पटाखे पहले तो तुम। तो गाइज़, यहाँ पर थे डिफरेंट काइंड ऑफ बैलून्स, अलग अलग तरह के बैलून्स थे। तो बच्चे अपने बैलून्स जो हैं वो चूज़ कर रहे थे। और ये देखिए, क्यूट से मास्क थे यहाँ पर, और जो जितने भी मास्क थे यहाँ पर वो बिल्कुल डिफरेंट थे, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। और ये देखिए, कैप जो था ना, इसमें राजस्थानी लुक थी, ये 50 रुपीज़ की थी ओनली। और यहाँ पर भैया हमें दिखा रहे थे चीज़ें जो भी हम लोग तो अभी क्या ले रहे हो? हम तो पिचकारी और बैल। ये वाला कितने का? और ये वाला देख ले बेटा, जो डिसाइड कर ले। ये हमारी लड़की की वीडियो शूट करने में भी काम आएंगे गाइस। कैसा और यहाँ पर कुछ रुपये किसका क्या प्राइस होगा? 100 रुपीज़। हाँ, 100 रुपीज़ है। और ये वाली उसने पहले, ये वाली पहले ये वाली पिचकारियाँ थोड़ी सी डिफरेंट मुझे लग रही है गाइस। ये दोनों सेम है, ये थोड़ी लोकल क्वालिटी की है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये शायद 100 सारी। अच्छा, इसका इनका प्राइस क्या है? ये छोटे बच्चों के लिए ना, जैसे थोड़े छोटे बच्चे गाइस। ये तविश को पसंद आई थी पहले, ये वाली ब्लैक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये तविश को पहले पसंद आई थी, लेकिन अब उसने उस वाली को देखी।
तो गाइज यहाँ पर जो है तविश ट्राई कर रहे थे पिचकारी, एक्चुअली भैया ने वहाँ पे पानी रखा हुआ था तो उसमें ट्राई करके देख रहे थे कहीं कोई इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है किसी तरह का। तो एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि तविश ना अच्छे से उसको पुश नहीं कर पा रहा था, थोड़ी सी हैवी थी वो उसके हिसाब से। तो फिर हमने तविश को बोला कि आप ये वाली पिचकारी मत लो, दूसरी देखो, तो उसने फिर दूसरी वाली पिचकारी ली। और यहाँ पर देखिए ये ऑर्गेनिक गुलाल था यहाँ पर उमंग का, ये यहाँ पर देविक को काफ़ी अच्छा लग रहा था लेना तो उसने सोचा कि क्यों ना लिया जाए। बट हमने सोचा कि ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं काफ़ी सारे, तो इतने सारे गुलाल का करेंगे क्या, ऑलरेडी हमारे पास था एक हर्बल दो। तो गाइस ये देखिए विराट कोहली और हार्दिक पांड्या की रोहित शर्मा की पिचकारी, जिसमें आप देख सकते हैं अब विराट कोहली और रोहित शर्मा की पिचकारी गाइस यहाँ पे बहुत अच्छी ली है ये वाली पिचकारी। हाँ तविश ने ये फाइनल कर ली पिचकारी। और तविश इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस तो मेरे को नहीं पता। अच्छा अभी पूछना पड़ेगा इसको। मैंने फोन में वो ले लो बम। तविश क्या आपने स्प्रे यहाँ पे यूज करके देखा है? यस गाइस ये गाइस मेरा हाथ पूरे ग्रीन ग्रीन। भैया इसका क्या प्राइस है? सी अच्छा है। पहले तो मैंने ये वाली चूज करी थी है ना? हाँ ये वैसे सही थी। इसे बैलून फूटा था। और कुछ देखो और क्या और कुछ भी नहीं है। और ये जो तो ये बारे बाल ले ले भाई एंजॉय के बाद तो गाइज देविक का साइज हमें नहीं मिल पा रहा था उस शॉप पर टी शर्ट का, तो हमने दूसरी शॉप से देविक के लिए टी शर्ट ली और यहाँ पर हमें साइज लेंगे। पिचकारी हमारा तविश का मूड तो गाइज इनमें से कोई टैंक वाली पिचकारी लेने का था, लेकिन अब देखते हैं तविश का मूड ओपन में। विराट कोहली विराट कोहली नहीं है चला के सुबह इस तविश को ये पसंद आई है। डैडी को दिखा डैडी डैडी अरे यार तो होली की है भाई। तो गाइज होली की शॉपिंग के बाद वहाँ पर हमें दिखाई दे गई थी एक मोमोज की शॉप, और मोमोज देखकर तो बस हम लोग सभी लोग आजकल क्रेजी हो जाते हैं मोमोज को देखकर, तो मोमोज लवर हैं सब लोग। तो यहाँ पर हमने लिए मोमोज घर के लिए और हमने घर पे जाके मोमोज को एंजॉय किया। और गाइज यहाँ पर हम पहुँचने वाले थे जस्ट अभी घर, तो मोमोज यहाँ पे हमने पैक कराए। सो हे एवरीवन वेलकम टू देविश ब्लॉग्स। सो जैसे कि आपको पता है हम लोग होली की शॉपिंग करके आ चुके थे। सो गाइस ये है सारा सामान जो कि हम होली की शॉपिंग में लाए हैं। सो माय गॉड गाइस मैं तो शॉक ही हो गया था कि हम लोग इतना सारा सामान लाए थे। तो गाइस यहां पर ले आए हैं बच्चे होली की शॉपिंग का कुछ सामान, तो आपके साथ शेयर करेंगे यहाँ पर कि क्या क्या लेकर आए हैं। कैसे हम लोग एक एक करके सारे सामान जो है वो एक एक करके बताएंगे। हाँ तो गाइज देखिए ये सारा सामान है, तो यहाँ पर जो है देविश देविक एंड तविश यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले आते हैं पिचकारी छोटा भीम की। ओके गाइज तविश की है देख सकते हैं, ये है तविश की पिचकारी। सिंगल नोब वाली है ये, और इसमें ना बैलून भी बहुत इजीली फूल जाता है। ओके जिनसे बैलून फूल जाता है। सो गाइस एक अच्छी बात है कि ना मेरी ना गाइस
पिछले ईयर की जो पिचकारी थी गाइस मेरी वो अभी भी रखी है और ये बहुत अच्छे से काम करते हैं गाइस। देखिए इसमें वेरी गुड, देखिए यहाँ पर देवी की बहुत समझदारी है क्योंकि उसके पास जो पहले से ही पिचकारी थी वो गाइस अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे ऑलमोस्ट सेम ही साइज की पिचकारियां हैं हमारी और कोई कह नहीं सकता कि मतलब लास्ट ईयर की है, बिल्कुल न्यू लग रही है अभी। तो देवी ने यहाँ पर टूटा नहीं है तो बिल्कुल सही कंडीशन में थी, तो देवी ने पिचकारी नहीं खरीदी, ये लास्ट ईयर की थी उसके पास। थोड़ी सी लीक करती है इसका, सब कुछ ठीक चलता है। सो गाइस अब हम आपको बताए थे हम लोग क्या क्या लाए हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग आपको दिखाए थे हम लोग लाए थे ये वाला स्प्रे जो कि हमें 50 रुपीज का मिला था। ओके तो इसका जो कलर होगा स्प्रे का वो मतलब यही होगा जो इस पे कलर दिया हुआ है जो स्प्रे का। तो गाइस मैं आपको दिखा देती हूँ, ये स्प्रे है 50 रुपीज में और इसका जो कलर होगा ना वो अंदर से होगा ग्रीन ही होगा इसका, जिसका गाइस मेरा ब्लू कैप होता है, मेरा ब्लू। हाँ जो कैप है इनका वही होगा कलर, जैसे कि इसका है ब्लू कलर तो इसका अंदर से भी ब्लू ही निकलेगा स्प्रे। तो थोड़ा इसको करके दिखाएंगे थोड़ा सा दैविक, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम ग्रीन वाला ले लेते हैं और हम तो बिल्कुल मिट्टू का कलर है, मिट्टू का कलर है, पैरेट कलर है। एक बात रखनी चाहिए यार, अगर हम इसे बिना ऐसे कर यूज करते तो गाइस ये बिल्कुल पानी की तरह चलता है, तो हमें शेक करना होता है और ये देखिए ये तविष्का है, बिल्कुल ब्लू आया है जैसे कि मैंने आपको बताया था, शैम्पू की स्मेल आती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इससे कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं गाइस, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एक तरह से फॉर्म की तरह है। ओके जैसे हम केक वगैरह के टाइम पे जो हम लोग केक कटिंग पे स्प्रे यूज करते हैं ना, हैंड्स भी गले नहीं होते यस गाइस। ये और ये बिल्कुल हर्बल है, नेचुरल है गाइस, कहीं स्किन वगैरह पे भी नहीं रहता, स्किन को हार्म नहीं। तो यहाँ पर देविश ने दिखाया गाइस, ये आप देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट आइटम अब कौन सा है देविश? नेक्स्ट है ये यस गाइस, नेक्स्ट है हमारे पास, हम टू कलर्स के यहाँ पे बॉक्स लाए थे। तो गाइस हम अनबॉक्स करते हैं, ध्यान से करना पड़ेगा गाइस, सील नहीं है। तो गाइस ये सिल्वर है और एक गोल्डन है, तो अभी हम इसको यूज नहीं करेंगे देविक जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको हाथ पे लेके दिखा देता हूँ, एकदम सिल्वर कलर है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम सिल्वर है, इसको भी देख सकते हैं एकदम गोल्डन है पूरी तरह से। सो गाइस हम आपको इस पर हाथ पे लगा के दिखाते हैं, तो यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको सिल्वर कलर और गोल्डन कलर में गाइस, गाइस आप देख सकते हैं ये देखिए तविश के हैंड्स देखिए कैसे हो गए गाइस, गोल्डन गोल्डन हो गए तविश के हैंड्स गाइस, लेकिन सिल्वर तो सिल्वर है गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा सिल्वर हो चुका है, सिल्वर हो चुका है देवी मैंने लगाया है। तो गाइस आप देख सकते हैं किस तरीके से दिखा रहा है अभी पूरा गोल्डन गोल्डन, हाँ भाई पूरा आधा गोल्डन ही हो चुका है, यहाँ पर गोल्डन और यहाँ पर सिल्वर बहुत सारे ओके। तो ठीक है अब ज्यादा इसको वेस्ट मत करो क्योंकि इसको आपको होली पर यूज करना है, होली पर यूज करना है ठीक है। अब नेक्स्ट पहले उसको क्लोज करके रखो जो आपने ओपन किया है तविश, अपना स्प्रे क्लोज करो वरना मिट्ठू आ जाएगा, फिर मिट्ठू जो है कुछ ना कुछ शैतानी करेगा आके, इसको भी क्लोज करो। तो यहाँ पर नेक्स्ट चीज देखे तो वो है हमारे, जब तक तविश उसे बंद करे मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे नॉर्मल गुलाल के पैकेट। ओके कौन कौन से गुलाल ये गाइस? ये पिंक कलर है और ये है, यहाँ पर पिंक है और यहाँ पर, और गाइस ये डिस्ट्री कलर का है, ये भी कॉक का ही है ये वाला। ओके यहाँ पर तीन गुलाल हैं और तीनों के कलर जो है अलग अलग है, यहाँ पर रेड है, येलो है और ये पिंक, ये पिंक है ये देखिए। और हमारे पास गाइस कुछ हर्बल गुलाल भी है जो कि सारंग का है, ये ऑर्गेनिक, ये बिल्कुल इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बहुत पिंक कलर का, ये ऑर्गेनिक है, इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा है गाइस, मैं आपको दिखाऊंगा ये देखिए, बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा जैसे एक वो है गुलाल है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट है, देखिए गाइस एकदम सॉफ्ट है गाइस, बिल्कुल सॉफ्ट गाइस आप मेरा भी देख सकते हैं। तो ये हर्बल है, ये पिंक इस तरीके से दिखता है, एक इसमें दो कलर है, इसमें भी पिंक एंड फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर। गाइस मिट्ठू पीछे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, अगर आपको डिस्टर्बेंस हो रही होगी पक्का, क्योंकि वो एक्चुअली मैं दिखा देती हूँ, वो एक्चुअली वो इतना सारा सामान देखिए ना उसको लग रहा है कि मुझे भी बाहर निकालो गाइस, मैं दिखाती हूँ आपको भी, देखिए ये देखिए यहीं पर बैठा हुआ है और इसको लग रहा है बस मुझे बाहर निकालो किसी तरह से, कि मैं भी यहाँ पर आकर सारा सामान देखूंगा और कुछ ना कुछ ये नुकसान करेगा, इसलिए हमने इसको बाहर नहीं निकाला अभी, ये देखिए आने के लिए कर रही है। नेक्स्ट चीज पे आए तो नेक्स्ट चीज है हमारे पास, ये बहुत बड़ी पक्का कलर की डिब्बी और गाइस मेरे पास है कॉलगेट,
टूथपेस्ट, नहीं इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है इसमें। ओके और गाइस मेरे पास भी है एक कॉक ब्रांड टूथपेस्ट, कॉक ब्रांड टूथपेस्ट गाइस देखिए ये है टूथपेस्ट कलर का है गाइस, एक गोल्डन कलर का। सो गाइस मैं आपको इसको थोड़ा सा यूज करके दिखाऊंगा, आई मैं सिर्फ थोड़ा सा ही यूज करूंगा इसमें, ज्यादा मैं यूज नहीं करने वाला हूं। जैसे कि मैंने आपको दिखा रखा है ये ग्रीन कलर में आता है, इस कलर में आता है जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं आपको इसको वाटर के साथ करके दिखा देता हूं। हां यहां पर बच्चों ने बॉल्स रखी हुई हैं और देखिए गाइस देखिए एकदम ग्रीन दिख रहा था, क्या पिंक हो चुका है बाहर से एकदम ग्रीन था और ये बॉल वाटर में डालते ही मेरे हाथ पे गाइस आप देख सकते हैं पूरा पर्पल पर्पल हो गया, पर्पल एंड मैजेंटा कलर हो गया। बहुत कम यूज किया था गाइस और हाथ तो बहुत गंदे हो चुके हैं। और ये देखिए ये तविश का है, ये जो इसने अजीब कलर यूज किया है गाइस, है गाइस और ट्यूब है, ये देखिए तविश का है गाइस एकदम पिंक से रेड हो चुका है जैसा आप देख सकते हैं गाइस। अब मेरा हाथ देख सकते हैं पूरा का पूरा गोल्डन हो चुका है और भी के पूरा चिपचिपा हो चुका है। आपको पास से दिखाती हूँ ये जो कैप्सूल्स है ये बिल्कुल वैसी जैसे मेडिसिन होती है ना, बिल्कुल वैसी है सेम जैसे हम लोग मेडिसिन खाते हैं बिल्कुल। ये देखिए मल्टी कलर में है गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रेड कलर में है, ये येलो कलर में है और भी कलर्स में आता है। और गाइस ऐसा लगता है जैसे कि आप एकदम मेडिसिन खा, बिल्कुल मेडिसिन का लुक है बिल्कुल सेम, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर कलर है। और मैं आपको इसको दिखा भी दूंगा इसे कैसे यूज करते हैं, अगर मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कि अब ये है कैप्सूल जी, ये कुछ इस तरह से हमारा बताएं खुल जाता है गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए गाइस इसे खुल गया है और इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो कलर है और इसको भी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर थोड़ा सा डाल के दिखा देता हूँ। इसको थोड़ा सा डालती गाइस ये कलर ले लेता है अपने, ये देखिए कैप्सूल को देविक ने यहाँ पर बोल में डाला पानी के साथ। मैं आपको इसका यूज करने का भी तरीका बता दूंगा गाइस, इसे यूज कैसे करते हैं गाइस, ये कुछ इस तरह से पानी में फैल चुका है, ब्लू ब्लू हो चुका है पूरा पानी। तो गाइस मैं आपको कैप्सूल का कलर अब दिखा दिया है तो गाइस एक्चुअल में हम इसको बायोलॉजी में भी डाल सकते हैं। यस गाइस इसमें आपको ये देखिए बिल्कुल पर्पल हो गया है, तविश ने जो किया है बिल्कुल पर्पल पूरा पर्पल दिखाया है गाइस। और नेक्स्ट चीज दिखा देता हूं, सो माय नेक्स्ट चीज है ये अभी नहीं आई थी। सो गाइस ये है हमारे 3-in-1 बैलून, सो इसमें क्या था मैं आपको दिखा देता हूं। गाइस हमारे पास आते हैं 3 नोट्स इस तरह के आप देख सकते हैं एक में आते हैं हमारे बताया था एक में कितने बैलून आते हैं 111 बैलून आते हैं एक सबको मिला के। सो और ये एक बार में ही शायद है ना, एक बार में ही जाते हैं बैलून, इससे ये बस ये टैप में लगाना होता है गाइस, इनको ऐसे ऐसे करके गाइस अपने आप नीचे चले जाते हैं। यस गाइस ऐसे ऐसे करने पे जब ये अपने लिमिट तक भर जाते हैं तो फिर ये अपने आप नीचे गिरने लग जाते हैं, इट मींस इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती। यस गाइस इसमें कुछ नहीं करना होता, इसे कुछ इस तरह से लगाना होता है और फिर इसे टैप के अंदर लगा के हमें इसको पकड़ के रखना होता है, फिर टैप में इंसर्ट कर दो बस इसको। अब गाइस मेन रोल आ चुका है कैप्सूल का। सो गाइस ये जो कैप्सूल है जैसे कि अब हमने इसे ऐसे करके ओपन कर लिया, ये जो कैप्सूल है अब कुछ नहीं करना है हमें, इसके अंदर इस कैप्सूल को डाल के फिर थोड़ा सा शेक करके फिर जब हम पानी डालेंगे तो गाइस हमारे पक्का कलर वाले बैलून्स रेडी हो जाएंगे। इसमें हमें कलर भी डालने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम एक कैप्सूल डालेंगे इसके अंदर गाइस, अगर हम कलर डालते हैं ना गाइस तो फैल जाता है कलर बहुत सारा बॉक्स से निकल के। सो गाइस ये अच्छी बात है कैप्सूल्स की, सो हमें कैप्सूल बहुत पसंद आई है। सो नेक्स्ट चीज हमारे नॉर्मल बैलून, इसमें 100 पीसेस आते हैं बैलून के अंदर। अच्छा ये नॉर्मल पैकेट है जो नॉर्मल होता है ना बैलून्स का, उसमें 100 आते हैं गाइस। और गाइस नेक्स्ट है हमारा ये जो कि हमारा पिछले ईयर का रखा हुआ था, ये भी गाइस ये लास्ट होली के इनके मास्क है, गाइस ये 4 इयर्स पहले का रखा हुआ है। हां देखिए अभी भी वैसा ये बिल्कुल न्यू लग रहा है एकदम, तो यहां पर जो है वेस्टेज नहीं की गई है, मनी की वेस्टेज नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इनके पास ये रखे हुए थे तो ये चीजें खराब नहीं होती, तो हम दोबारा इनको रीयूज कर सकते हैं। तो गाइस तविश आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब।
एंड डेविक ने देखिए यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरह के लग रहे हैं गाइस देखिए आपको ये भी पहन के दिखा सकता हूँ अगर हम चाहें तो इनको उतार के इन वाले हेयर को इसमें भी हेयर आते हैं तो हम लोग इनको भी उतार सकते हैं मैं आपको इसको भी दिखा देता हूँ वियर करके तो गाइस इसको पहनने के बाद अगर कोई छोटा बच्चा देखेगा तो वो तो भाई पक्का डर ही जाएगा वो तो कहाँ से आ गई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक शेयर गाइस अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है हमारी वीडियोज अच्छी लगती है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें कमेंट करके हमें बताएं कि आज का व्लॉग जो है वो आपको कैसा लगा तो गाइस ये लास्ट चीज बची थी जो कि है गाइस ये पक्का रंग गाइस और एडवांस में सबको हैप्पी होली देखिए गाइस पूरे तो देविश अभी कुछ बचा है क्या या सब कुछ ऑलमोस्ट हो गया है यस गाइस सब सब तो हम लोग यही था हमारी होली की शॉपिंग गाइस ये पक्का रंग ओके और जो आप वियर करने वाले हैं वो आप गाइस लास्ट आइटम है अभी यहाँ पर तो वो आपको दिखा रहे हैं ये जो इन्होंने शॉपिंग किया है खरीदा है होली के लिए गाइस ये देखिए कितनी रीजनेबल टी शर्ट्स हैं ये वन टाइम वियर हैं उसके बाद आप इनको थ्रो कर सकते हैं सो गाइस ये है तविश की और रीजनेबल प्राइस पे है बहुत गाइस कमेंट में इसका प्राइस आप बताएं क्या प्राइस है इन टी शर्ट्स का हम आपको नहीं बताएंगे अभी गाइस ये है मेरी टी शर्ट यहाँ पर लिखा हुआ है बुरा ना मानो होली है गाइस होली की हार्दिक शुभकामनाएं होली की हार्दिक शुभकामनाएं तो ये लास्ट आइटम था जो इन्होंने दिखाया अभी आपको और होली की बहुत सारी शॉपिंग इन्होंने दैविक कुछ कहना चाहोगे अच्छा वियर करके दिखा रहे हैं दैविक आपको गाइस वियर करके दिखा रहे हैं टी शर्ट यू कैन सिट गाइस कुछ इस तरह की ये देखिए टी शर्ट कुछ इस तरह से है तो गाइस मेरी भी कुछ इस तरीके से तविश ने कपड़ों के पहन लिए गाइस तो ये कुछ इस तरह से है दोनों की टी शर्ट और जो है इनकी तो भाई तैयारी हो चुकी है होली के लिए और आई होप आप सब ने भी तैयारी कर ली होगी तो गाइस मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ कहना चाहेंगे तविश लास्ट में सो गाइस हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें और गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब गाइस आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं बाय एडवांस में हैप्पी होली ओके टाटा बाय बाय लव यू ऑल बाय बाय